देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 106 से फिर आ गए हैं आर एस अग्रवाल परसेंटेज का। एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक ने कुल मतों का 55% मत प्राप्त किया, कुल वैध मतों का। अब यहाँ बाबू वैध मत और अवैध मत समझना है। वैध मत किसको बोलते हैं? कभी कभी देखिएगा बाबू, वोट 100 गो पड़ा, मान लिया कि अंगूठे से दे वाला या कुछ ऐसा वोटिंग था। अब जब वोट देवे गया तो कुछ आदमी इतना डाइवर्ट है अपना जिंदगी में, इतना सोचता है कि वोटवा देवे घड़ी तक ओकरा लग रहा है कि बीजेपी के दे कि कांग्रेस के दे। तो वो कहा है कि ले दोनों खुश रहिए, दोनों पर एका गो मार के छोड़ दे है। अब वैसन वोट केकरा गिनेगा? तो वैसी स्थिति में बाबू वोट अवैध घोषित कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है, जिस वोट के बारे में पता न चले कि किसको दिया गया है, उस वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। वोट दिया लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आया। तो क्वेश्चन कह रहा बाबू कि कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया और 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? कुल मत तो अपने आप में 100% था बाबू, और इसका अवैध घोषित कर दिया गया 20% मत। अवैध मानी वैध नहीं है, खराब मत है, ये कोई के डाटा में नहीं जाएगा। एकर मतलब वैध मत कितना हुआ? 80%। अब 80% के एगो लाया 55%, तो ये जीता होगा 55% लाए वाला, तो हारे वाला के परसेंट लाया होगा? 45%। अब बताइए, कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि कुल मतों की संख्या 7500 था तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो यही ना 45% मत मिला, तो इसका 45% निकाल लेंगे, तो 8 चौका 32, 32 अचार 36%। यानी टोटल जितना वोट था ओकर 36%, तो 7500 का 36% निकाल लेंगे बाबू, तो 36% कितना होगा? तो आपको बताए थे कि 10% बराबर 750, तो ऐसा ऐसा 3 गो, तो 7 21 2250, तो 2250 ऐसे हो गया। अब अभी 6% आओ, तो 75 दूनी 150 यानी 450 मत आओ बाबू, यानी टोटल हो गया 4 2 6 1 7 यानी 2700 मत बाबू हारे वाला उम्मीदवार लाया। अब ये इतना लॉन्ग में ना जाके कुछ लोग को शॉर्ट में अब सिखाना चाहते हैं, इसको पहले समझिए। 100% मत था, 20% मत अवैध हो गया, सही मत कितना हुआ? तो कह रहा है कि 80%, इनमें से 55% कौन लाया? जीते वाला। एक मतलब हारे वाला 45% तक केक कर, तब वैध मत के, तो 80% के 45 निकाले तो 36 आया, यानी टोटल मत 7500 था ओकर 36%। और दूसरा तरीका भी बता रहे हैं मेथड इसका, देखिए कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर टोटल 7500 वोट हले बाबू, तो एकरा में से 20% वोट अगर खराब हो गए होते, तब 20% खराब होले होते, एक मतलब एक 10% एक अंक बाद बूंदा, तो बताए थे ना बाबू कि 10%, एक मतलब 20% बराबर 1500 वोट खराब हो गए। तो अब सही मत कितना बचा? 6000। अब ये 6000 में कह रहा है कि जीते वाला 55% लाया, तो हारे वाला कितना लाया होगा? तो 100% होता है कोई भी चीज, तो तुम 55 लाया तो ये 45 लाया होगा, तो एक 45% सीधा सीधी निकाल दो, सीधा सीधी अगर 50% बराबर 3000, तो 3000 से कम तो कितना? 5%। तो 10% बराबर 600, देखो 10% बराबर 600, हमको घटाना है 5% यानी 300, तो 3000 में से 300 गया यानी 2700 मत। देखिए बाबू, यहां क्वेश्चन 107 नंबर कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग ही नहीं किया,
मत नहीं दिए बाबू, ना दिए, कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, जो भी उसका मुद्दा था, सब नेता पर गोसियाल होगा, वो कहा कि वोटे हम लोग नहीं देंगे, मैंने वोट का बहिष्कार किया है। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मत का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुल मत का यानी टोटल वोट जो पड़ा है, जो कुल मत मैंने समझना यहाँ पर कि पड़ने वाला कि वोटर लिस्ट वाला, तो इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट से मैंने जितना न होता है कि वोटर लिस्ट में नाम जितना है, जेकर 48% जीते वाला लाया, 48% जीते वाला लाया, 8% लोग वोटे न दिया, एकर मतलब हारे वाला कितना लाया जे देखिए, तो 8, 8, 16, 56% यानी 44% लाया होगा हारे वाला, बेचारा तनिषु के चलते हार गया है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1100 मत से मात्र हार गया है, तो 1100 मत से हार गया, एकर मतलब 4% बराबर 1100 मत, तो कह रहा है चुनाव में टोटल वोट कितना था वोटर लिस्ट में, कह रहा है कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो कुल मतदाताओं की संख्या यानी वोटर लिस्ट में केगो नाम था, तो 1100 बटे 4 गुना 100। अभी देखिए बाबू, 4 से 1 काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 सते 28, 4 पचे 20, यानी 27,500 मत टोटल था बाबू, आ जो 1100 मत से हार गया बेचारा। देखिए बाबू, 108 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए, मतदाता से रिलेटेड है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, एकर मतलब टोटल मत होगा 100%, जेकरा में से 75% लोग वोट दिए यानी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तथा इनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गया बाबू, एकरों में से 2% अवैध यानी लेस कर दीजिए, तो 10 1 1% बराबर 0.75 यानी 1.5% वोट घट गया, तो यानी ओरिजिनल वोट पड़ा 73.5%। कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किया जो कि वैध मतों का 75% है। अब 75% का मतलब होता है बाबू, आप लोग जानते हैं, 3/4, 75% का मतलब होता है वैध मतों का 75% मत लाया यानी 3/4 मत लाया, इतना मत लाया कहता है कि हम टोटल मत प्राप्त किए 9261। इसका अर्थ हुआ कि अगर ये दोनों, तो 100% पूछ रहा है बाबू, कह रहा है क्वेश्चन में कि कुल कितने मतदाता थे, तो कुल मतदाता 100% थे, तो 100% निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 9261 ई बटा होगा 73.5 × 3, आई 4 ऊपरे जाएगा और 100 भी ऊपरे जाएगा ई वाला, अभी दशमलव के बदले 10 आओ, अब काटेंगे बाबू, तो 5 से 5 × 10, 5 से 1, 2 बचा 5 का 20, 5 सते 35। अब देखिएगा बाबू, ये 3, 6, 2, 8, 1, 9, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 0 3 8, 24, 3 सते 21, 147 से जरूर ही पूरे कटेगा, तो 2 यानी 21 मरतबे कट जाएगा, तो 21 मरतबे कट गया, तो 4 × 8, तो 8, 8 × 16 यानी 16,800 मत टोटल था, टोटल मत हो गया बाबू 16,800। फिर से बाबू हम क्वेश्चन नंबर 108 को सेकंड मेथड बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, मान लिए टोटल मत एक्स था, तो एक्स का 75% मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया,
75% का मतलब एकर 3/4 वोटिंग किए। फिर कह रहा है कि 2% लोग अपना मताधिकार को अवैध घोषित कर दिए, तो 2% लेस यानी 98% एकर बचेगा। अब 98% का मतलब 49/50। उसके बाद कह रहा है जीतने वाला इसका 75% वोट लाया, यानी जो वोट बचा उसका 75% जीते वाला लाया। आ कह रहा है जीते वाला के परसेंट वोट आया, तो 9,261। अब इसको हम लोग कटिंग कर देंगे बाबू, तो देखिएगा ये आपका 3 3 9 9, दोनों को लेके 1 सा चर है, 9 से काटेंगे, 1 0 9 2 18, 9 9 81, ये 49 से भी कटेगा बाबू। 49 से देखिए 4 2 8 दो मरतबे, आ 9 से 4 2 8 एक 9 2 18 दो बच गया। अब 229 के मरतबे कटेगा, थोड़ा देख लीजिए इसको, कट रहा है 21 मरतबे बाबू। तो अब एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो गुना कर देंगे इस सबको, 4 50 4 21 को, तो ये तो हो गया 5 का 20, अब 20 का 80, 80 से गुना होगा तो 8 8 2 16, यानी 16 180, यानी जीते वाला उम्मीदवार कुल मत कितना था, तो 1680, 1 0 छूट गया है बाबू, एगो जीरो, ये वाला जीरो, 1 0 छूट गया था। देखिए 5 का 20, 20 का 80, एगो जीरो तो हो गया। देखिए बाबू, करा एक मतदाता सूची में एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें से 10% मतदाता सूची में जो लोग थे मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, कुल डाले गए मत का 10% अवैध घोषित कर दिया। सफल उम्मीदवार कुल वैध मत का 54% लाया, तो सफल उम्मीदवार अगर 54% लाया, एकर मतलब हारे वाला 46 लाया, तो के परसेंट से हारा, तो 8% से हारा। हार जीत कितना परसेंट से हुआ, हार या जीत हुआ बाबू 8% से। अब क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से, करा मतदाता सूची में कितने मत थे, तो मान लिए मतदाता सूची में टोटल एक्स मत था, तो 10% लोग मताधिकार का विरोध किए, यानी 90% लोग वोट दिए, 90% का मतलब 9/10। फिर कह रहा है कि जो वोट पड़ा ओकरो में 10% खराब हो गया, अवैध घोषित माने 10% खराब, तब बाकी 90% सही बचा। फिर कह रहा है कि सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% लाता है, यानी हारे वाला लाया होगा 46%, तो कहला है कुल मतों का 54% मत प्राप्त करके 1620 मत से जीत गया। हम कह रहे नहीं, टोटल 8% मत से जीता है, तो इसका 8% यानी टोटल वोट था उसका 90%, ओकर 90% निकालें, ये जो वोट जो काउंटिंग हुआ इसका 8% वोट से मात्र जीता है, और 8% का मतलब 8/100 बराबर कितना मत दिया हुआ है बाबू, तो कह रहा है कि 1620 मतों से जीता। अब कर दीजिए कैलकुलेशन, निश्चित रूप से बन जाएगा। ये देखिए 9 9 81, तो 81 से 2 मरतबे कट गया। अब देखिए ये 4 से 4 2 8, 4 5 20, अभी देखिए 2 से 5 कट गया, एक्स बराबर ये 5 5 25 आ 3 0, यानी टोटल मत कितना था 25,000 मत। अब 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 110, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया, ए को कितने लोग मत दिए, 30% लोग, शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया, बी को कितने लोग मत दिए, तो शेष बचा 70%, आ 70% का
60%। तो 70% का 60% यानी शिक्षक 42%, 70% माने शेष जो इसको देने के बाद जो शेष बचा, तो 70% का 60%, तो 10% बराबर 7, तो शिक्षक 42% लोग बी को मत दिए। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि शेष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, यानी प्रयोग नहीं किया माने वोट नहीं दिया। तो जब टोटल 100% वोट था, उनमें से 72% लोग वोट ए या बी को दिए, तब बाकी 28% लोग इसका मतलब है वोट नहीं दिए। अब कह रहा है क्वेश्चन में यदि ए को मत देने वाले और अपने मत का प्रयोग नहीं करने वाले, ए को मत देने वाले और अपने मत का प्रयोग नहीं करने वाले का अंतर 1200 है, इसका मतलब है ये दोनों का अंतर 2% है और 2% बराबर 1200 मत है बाबू, समझ रहे हैं। तो कहता है कि कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था, इसका मतलब मतदाता सूची में कितने लोग थे, तो जो भी लोग थे अपने आप में 100% थे, तो 1200 बटे 2 × 100 600 बाबू, यानी 60,000 मत, टोटल 60,000 मत थे। यदि ए की आय का 5%, ए का जो भी आय है उसका 5%, कहता है बी के आय के 15% के बराबर है, बी के आय के 15% के बराबर है, तथा एक और डाटा आया है कि बी के आय का 10% किसके बराबर है, तो सी के आय का 20% के बराबर है। तो कहता है कि बताइए सी की आय यदि 2000 रुपया है तो ए बी सी की कुल आय कितना है, सी के आय यदि 2000 है तो ए बी सी कुल आय कितना है। सबसे पहले ही क्लियर कीजिए बाबू, पंक्ति आई 15, एकर मतलब ए अनुपात बी बराबर 3:1, समझते हैं ना, अनुपात में एन ए आवेगा तो ए बटे बी, आईने कुछ ना है तो 1:3, 3:1 का मतलब 3:1, यहाँ से बी अनुपात सी निकालिए, 10 × 20 यानी 2:1, तो 2:1। अब इसको देखिए ए बी सी को बैलेंस कीजिए, ए बी और सी को बैलेंस कीजिए, ये वाला और ये वाला बैलेंस होगा, तो 2 से गुना करे पड़ेगा बाबू, तो ना बी दोनों जगह बराबर होगा, 3 × 6 = 2 और ये 1 रह जाएगा, इधर तो गुना करना है नहीं। अब कह रहा है यदि सी का वेतन, कह रहा है बाबू सी का आय यदि 2000 रुपया है, 2000 रुपया, तो कुल आय कितना है तीनों का ए बी सी, तो 6 × 2 = 8 = 1 = 9, यानी कुल आय रेशियो में हो गया 9, कुल आय तीनों का मिला के 9, तो 1 = 2000, तो 9 × 9 = 18,000 रुपया आंसर हो जाएगा बाबू, क्लियर। देखिए बाबू कह रहा है 112 नंबर क्वेश्चन, 400 रुपया मूल्य की एक वस्तु के बिक्री पर 7%, तो 7%, तो 10 × 1 = 1% बराबर 4 रुपया, तो सच्चा 28 रुपया, तथा 6400 रुपया मूल्य की दूसरी वस्तु पर बिक्री कर 9% लगता है, मान इस पर सेल टैक्स है 7% आ इस पर 9%, तो 6400 का 9% यानी 10% 640 आ 1% 64, तो 640 में से 64 गया तो आ गया बाबू 576 रुपया। अब कह रहा है कि बताइए कि दोनों वस्तु पर कुल कितना प्रतिशत बिक्री कर देना पड़ा, तो कुल बिक्री कर देवे पड़ा 8×6 = 14, 7×2 = 9 = 10, यानी 604 रुपया देवे पड़ा कितना में, 6800 में, तो 100 में कितना कटिंग कर देंगे बाबू, अब 4 से काटेंगे
चार से कटेगा नहीं, तो ये 3 9 आई हो जाएगा बाबू यहाँ पर 17 से कट जाएगा लगता है, 4 से 17 चौका 68 और 4 से 15 101, तो 151/17 अब इसको हम लोग भागा देंगे तो कितना आ जाएगा मोटा मोटी 17 8 8 7 56 के 6 हाथ में 5 और 8 5 13 यानी 136, तो 136 यानी 8 पूर्णांक 36 अचार यानी 15/17, 15/17 यानी 8 पूर्णांक 15/17%। 113 नंबर क्वेश्चन बाबू, एक थैला में 25 पैसा के बाबू, 25 पैसा ही 600 सिक्का रखल है, 25 पैसा ही सिक्का कितना है 600 सिक्का, सिक्का समझते हैं ना, और 50 पैसा ही कितना है उस झोलवा में, तो कह रहा है कि टोटल 50 पैसा ही 1200 सिक्का है, एकदम लगा जमाखोरे है ये का। इनमें से 12% 25 पैसे के सिक्का, यानी जो भी पैसा होगा उसका 12% 25 पैसा के सिक्का, और ये जो भी होगा उसका 24% 50 पैसा का सिक्का हटा दिए जाए तो कितने प्रतिशत धन थैला से हटाया गया बाबू। 1 रुपया होवे लागी 4 गो सिक्का चाहे, तो 4 4 सिक्का हटेबी तो 150 रुपया बनते, यानी 625 पैसा ही मैंने 150 रुपया, आई 1200 सिक्का है मैंने 600 रुपया। अब एक 12% हटाइएगा बाबू तो 10% बराबर 15 रुपया, आ 1% बराबर 1.5 रुपया, तो 2% बराबर 3 रुपया, यानी 15 3 18 रुपया। अगर ये पॉइंट सिस्टम से हम निकालते हैं, नहीं समझ में आता है तो थ्योरी वीडियो जरूर देखिएगा पार्ट 1 2। ये देखिए बाबू 20% बराबर 10 बराबर 60, तब 20 बराबर 120, आ 4 बराबर 6 चौका 24 यानी 144 रुपया, तो दोनों मिला के टोटल कितना धन निकाल लेवल गया, तो टोटल धन निकाल लेवल गया 8 4 12 4 1 5 1 6 162 रुपया, 162 रुपया कितना में निकालल गया 750 में, गुना 100, 25 चौका 100 25 75, ये 10 रहे दो बाबू, आ 3 से 3 5 15 3 4 12 यानी हो गया 10, पूर्णांक में देता है कि क्या, तो 4 4 का 16 है बाबू, 5 5 का 20 है 1 21, आ 10 से भागा देंगे तो 1 अंक बाद दशमलव यानी 21.6%। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत जबरदस्त है, एग्जाम में बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं। कहता है एक प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 1 रुपया प्रति व्यक्ति था, इसे 25% कम कर दिया गया, माने प्रदर्शनी में टिकट का दाम 25% कम कर दिया गया, आ कुल प्राप्त शुल्क में 20% के वृद्धि हो गई, तो दर्शकों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए बाबू टोटल कलेक्शन यानी कुल प्राप्त शुल्क, कुल प्राप्त शुल्क जिसको हम लोग कलेक्शन बोलते हैं, टोटल कलेक्शन, तब कोई प्रदर्शनी शुल्क गेट पर ना देखते हैं टिकट कटते रहता है, तो उसका टोटल कलेक्शन कैसे आता है, तो एक टिकट का दाम अगुना दर्शक, कितना दर्शक है, ये थ्योरी में इसका चर्चा हम किए हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा थ्योरी में, ये काहे गलत लेखन से हो जाता है। ये कह रहा है कि टिकट के दाम 25% कम कर दिया गया, मानी ये 25% कम कर दिया गया, और दर्शक की कुल प्राप्त शुल्क माने एन्ने वाला रिजल्ट अबरी दे दिया है बाबू,
रिजल्ट 20% बढ़ गया, तो कह रहा है कि बताइए दर्शक की संख्या में कितना वृद्धि हुई, ये पूछ रहा है। तो इससे पहले जितना भी क्वेश्चन रहता था, देखते होंगे रहता होगा लंबाई बढ़ा चौड़ाई बढ़ा तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इनने वाला रिजल्ट निकलता था, अभी रिजल्ट देल है, इसका मतलब है इसका सूत्र ऐसे लगेगा एक्स माइनस बाई, आई दोनों गुना होकर माइनस एक्स गुना बाई बटे 100 बराबर देल है 20%, 20 देल है प्लस में, अच्छा ई वाला माइनस में देल है तो ई यानी प्लस में होगा। अगर टिकट के दाम घट गया आ फिर भी पैसा ज्यादा आ रहा है का मतलब स्वाभाविक है कि दर्शक बढ़ा है, यानी एक्स का वैल्यू एक्स से रह जाएगा, कमी कितना हुआ था 25 माइनस एक्स गुना 25 बटे 100 बराबर 20। अब थोड़ा केयर कीजिएगा बाबू, ये वाला डाटा है 25 का 100, यानी एक्स में से 1/x घटेगा आई उन्हें जाके सटेगा माने जुटेगा, माइनस है तो उन्हें 45 हो गया। अब बताओ यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं, ये एक्स बटे, ओहो ध्यान दो यहाँ एक्स माइनस एक्स बटे 4 है बाबू, तो एक्स में से एक्स बटे 4 को घटाइएगा तो 3x/4 आवेगा बाबू, रफ करके देख लीजिए बराबर 45, 15 + 45, इसीलिए एक्स बराबर 60%, यानी कि कलेक्शन में कितना वृद्धि हुआ तो 60%। ऐसे आप लोग को रफली बता देते हैं, आपके पास 4 गो ऑप्शन होगा, एगो माइनस में एगो ऑप्शन को प्लस में लीजिएगा, ये भी फार्मूला लगाइएगा और जेकर रिजल्ट 20 आ जाएगा वो आंसर बाई ऑप्शन। चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति ने खपत 20% कम कर दिया, तो ये तो सिंपल सब लोग जानते हैं, चाय के दाम 20% बढ़ गया तो आप खपत 20% घटा दिए तो प्लस माइनस माइनस, ये भी फार्मूला 20 × 20/100, कौन नहीं जानता होगा ये वाला क्वेश्चन, जो भी कंपटीशन के तैयारी करता है सब जानता है, तो माइनस माने कमी।